तो दोस्तों Realme ने हाल ही में अपना Realme 10 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च किया है और इस बार गाइस Realme 10 सीरीज में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन कम बजट के अंदर देखने को मिले हैं। जैसे कि Realme 10 Pro Plus में हमें इस बार मिड रेंज के अंदर कर्व डिस्प्ले दिया गया है। बस यही दोस्तों, Realme 11 सीरीज भी इंडिया के अंदर लॉन्च होगा और इस बार हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे Realme 10 सीरीज से Realme 11 सीरीज में। इस बार दोस्तों Realme 11 Pro में मिल सकता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट भी इस फोन में मिल सकता है, वो भी काफी कम बजट के अंदर। उसके साथ ही कैमरा भी इस बार आपको इम्प्रूव मिलेंगे इस फोन में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे Realme 11 Pro के बारे में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले गाइस, अगर हम इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो गाइस पिछली बार हमें Realme 10 Pro Plus में मिड रेंज के अंदर कर्व डिस्प्ले मिला था, जो इस बार हमें Realme 11 Pro में भी मिल सकता है। इस फोन में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलेगा Realme 11 Pro में, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले को लेकर शिकायत नहीं आएगा, और ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस बार इस फोन में मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो गाइस इस बार इस फोन में आपको मिड रेंज के अंदर कोई लेटेस्ट चिपसेट मिल सकता है स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक की तरफ से, या फिर इस फोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से मिड रेंज का एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट मिल सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट होने वाला है। अगर इस फोन में ये चिपसेट यूज किया जाता है, तो ये एक काफी पावरफुल चिपसेट है, जहां पर हमें गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलता है, और ये चिपसेट इससे पहले बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा है जहां पर हमें हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है और बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI भी मिलेगा, जो कि 6128, 8128 और 8 to 56 GB स्टोरेज वेरियंट के साथ भी आने वाला है। तो आपको परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट इस बार Realme 11 Pro में बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। अगर बात करें गाइस इस फोन के कैमरास के बारे में, तो इस बार इस फोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलेंगे, जहां पर 108MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का माइक्रो सेंसर मिल सकता है। इस फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और OIS का सपोर्ट भी रियर की साइड में मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा इस बार आपको Realme 11 Pro में बहुत ही कमाल का मिलेगा, और स्पेशली इस फोन का रियर कैमरा बहुत ही कमाल का होगा। और अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की, तो 16MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले का अंदर आएगा। तो सेल्फी कैमरा भी इस फोन में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बाकी 5000mAh का बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ ये फोन आ सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों, ये कुछ फीचर एक्सपेक्ट और प्रिडिक्टर फीचर हमें Realme के अपकमिंग Realme 11 Pro स्मार्टफोन में मिल सकती है, जो कि दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकेशन वाइज देखते हैं, तो बहुत ही कमाल के फीचर इस बार इस फोन में आपको मिल सकती हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है। अगर हम इस फोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की बात करते हैं, तो इस फोन का प्राइसिंग हो सकता है अराउंड 20 से 22 हज़ार के बजट में। और गाइस, अगर हम रिलीज डेट की बात करें, तो अभी तक इस फोन की रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस फोन के बारे में फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता पाऊं। बाकी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ गाइस आप सभी को नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।